1914 से पहले जब एरोप्लेन्स की टेक्नोलॉजी प्रूवन नहीं हुई थी तब यूरोप और अमेरिका के लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए एयरशिप का इस्तेमाल करते थे और ये एयरशिप एक बड़े गुब्बारे की तरह दिखती थी क्योंकि इनके अंदर हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरा रहता था जिसके वजह से इनका वजन बहुत ही कम हो जाता था और ये एयरशिप हवा में उड़ने लगते थे और इनमें डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता था ताकि ये आगे मूव कर सके। मगर 6 मई 1937 के दिन 800 फीट की लंबाई वाला दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था ये जर्मनी से अमेरिका पहुँच कर लैंड ही होने वाला था तभी इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस के गुब्बारों में आग लग गई और ये एयरशिप 1 मिनट से भी कम समय में जल के खाक हो गया और इसके अंदर मौजूद 57 में से 35 लोगों की जान चली गई। और इसके बाद लोगों ने एयरशिप का इस्तेमाल करना बहुत ही कम कर दिया और इसके कुछ सालों के बाद अच्छी टेक्नोलॉजी वाले एरोप्लेन्स आ गए जिसने एयरशिप को पूरी तरह से मार्केट से आउट कर दिया।